हेलो स्टूडेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। लास्ट क्लास जो थी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की, उसमें हम लोग बात कर रहे थे असेंट टू द प्रेसिडेंट की, यानी कि जो बिल्स है, जो विधेयक प्रेसिडेंट के पास जाते हैं प्रेसिडेंट की अनुमति के लिए, प्रेसिडेंट के पास उनको लेकर क्या क्या पावर्स है, प्रेसिडेंट उन पर असेंट दे सकता है या नहीं दे सकता, या अपने पास रोक के रख सकता है, या अपने वीटो का इस्तेमाल कर सकता है, ये सब चीज़ें हमने देखी थी। उसी में से आज एक टॉपिक जो मैंने आपसे कहा था कि इसके लिए मैं एक अलग से क्लास लूंगी, जिसमें आपको बताऊंगी वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट की वीटो शक्ति, यानी कि प्रेसिडेंट का जो निषेध अधिकार है उसके बारे में हम लोग यहाँ आज की क्लास में बात करेंगे। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं वीटो पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में, जिसके तहत हम लोग चार तरीके के वीटो पावर्स पढ़ेंगे। फर्स्ट हम बात करेंगे एब्सोल्यूट वीटो, जिसे आत्यंतिक वीटो भी या आत्यंतिक निषेधाधिकार भी कहा जाता है। देन हम बात करेंगे क्वालिफाइड वीटो, यानी कि विशेषित वीटो के बारे में। तो ये जो क्वालिफाइड वीटो है, ये इंडियन प्रेसिडेंट को प्राप्त नहीं होता है, ये यूएस के प्रेसिडेंट को प्राप्त होता है, जो मैं आपको आगे बताऊंगी। थर्डली हम लोग बात करेंगे सस्पेंसिव वीटो, यानी कि निलंबनकारी जो आपका वीटो है उसके बारे में। फोर्थ हम बात करेंगे पॉकेट वीटो के बारे में, ठीक है। तो यहाँ हम लोग बात करेंगे आज प्रेसिडेंट की इन्हीं वीटो पावर्स के बारे में। तो आइए देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एब्सोल्यूट वीटो पावर की। एब्सोल्यूट वीटो पावर को पढ़ने से पहले, जैसे हम लोग जनरली, जैसे मैंने आपको बताया कि हम जैसे लेजिस्लेटिव प्रोसीजर चूंकि हम पढ़ते आ रहे हैं, तो वहां पर जब कोई भी बिल दोनों सदनों से पास होकर राष्ट्रपति के पास आ रहा है और राष्ट्रपति उस पर असेंट दे देता है, तो ही वो विधेयक क्या बन जाता है, अधिनियम बन जाएगा, कानून बन जाएगा। अगर राष्ट्रपति उस पर अपनी एक्सेप्टेंस नहीं देता है, तो वो विधेयक विधेयक ही रहेगा, वो बिल बिल ही रहेगा, लैप्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वही नष्ट हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो यहाँ पर राष्ट्रपति की अनुमति बहुत जरूरी है। ये कंडीशन देखा जाए तो हमारे भारतीय संविधान में रखी भी इसीलिए गई है ताकि किसी भी तरह से कोई गलत कानून ना बन सके, है ना, गलत अधिनियम ना आ सके। राष्ट्रपति को ये पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है ताकि वो भारतीय संविधान के जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको बचा सके, भारतीय संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को किसी प्रकार से डिमोलिश करने के लिए कोई कानून ना लाया जाए, क्लियर। तो इस तरह से राष्ट्रपति को ये पावर दी गई है ताकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक फीचर्स है, उसका जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, वो बचा रहे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ राष्ट्रपति को पावर दी गई है कि अगर उसको लगता है कि कोई कानून सही नहीं है, भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है, या कहीं ना कहीं संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का वो उल्लंघन कर रहा है, तो वो उसको उस पर अपनी वीटो पावर्स का यूज कर सकता है। तो इसीलिए राष्ट्रपति की जो वीटो पावर है वो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर रखती है, ठीक है। वीटो का मतलब होता है किसी चीज को रिजेक्ट कर देना। अगर हम लोग इसके वर्डली मीनिंग की बात करते हैं, तो इसका मतलब होता है किसी चीज को रिजेक्ट कर देना, किसी चीज के लिए डिनाई कर, मना कर देना, मतलब है ना, या फिर सेज नो, किसी चीज के लिए मना करना कि नहीं ये काम नहीं होगा। मतलब जैसे लाइक आपके पास किसी बात को लेकर कोई अधिकार है और आपने क्या कह दिया, नहीं इस काम के लिए मना है। तो इसी तरह से जब राष्ट्रपति क्या करता है अपनी वीटो पावर के तहत, जब उसके पास में मिल जाता है और उसको वो सही नहीं लगता कि नहीं ये विधेयक कानून नहीं बन सकता, तो वो उसके लिए क्या कर देता है, उसको रिजेक्ट कर देता है, या उसको सिग्नेचर करने से मना कर देता है, या उसको नहीं कर देता है कि ठीक है मना कर दिया, मैं इसकी सिग्नेचर नहीं करूंगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, वीटो करना, ठीक है ना। तो इस तरह से अब सबसे पहले हम जो बात कर रहे थे जैसे एब्सोल्यूट वीटो पावर की, राष्ट्रपति की एब्सोल्यूट वीटो पावर, यानी कि आत्यंतिक शक्ति। एब्सोल्यूट का जैसे आपको वर्ड से ही पता चल रहा है, कंप्लीटली वीटो कर देना, मतलब पूर्ण रूप से मना कर देना। जो राष्ट्रपति यहाँ पर क्या करता है, पूर्ण रूप से मना कर देता है, यानी कि कंप्लीटली वो क्या करता है, रिजेक्ट कर देता है। यहाँ क्या करता है, आप लोग देख सकते हैं, यहाँ वो अनुमति देने से मना कर देता है, रिजेक्ट कर देता है कि भैया मैं अनुमति नहीं दूंगा इसके ऊपर, ये क्या हो गया आपका, रिजेक्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही वो उस बिल को रिजेक्ट कर देता है, उस पर अपने असेंट देने से मना कर देता है, वैसे ही वो बिल क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, लैप्स हो जाता है, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता, वो कानून नहीं बनता। तो यहाँ पर जो है ऐसी जो एब्सोल्यूट वीटो की पावर है, ये पहली बात तो आपकी ध्यान रखिए जानने के लिए ये है कि किन बिल्स पर ये अपनाई जाती है, किस तरीके के बिल्स पर अपनाई जाती है। तो हमारे इंडिया में जो है, हमारे इंडियन प्रेसिडेंट को एब्सोल्यूट वीटो पावर है, एक बात तो ये ध्यान रखने की है। दूसरी बात ये ध्यान रखने की है कि व्यवहार में जो भारत के राष्ट्रपति हैं, वो किस प्रकार के बिल्स में एब्सोल्यूट वीटो पावर इस्तेमाल करते हैं। तो वहां पर दो प्रकार के बिलों में एब्सोल्यूट वीटो पावर इस्तेमाल की जाती है व्यवहारिक रूप से। फर्स्ट इज ऑन प्राइवेट बिल्स एंड सेकेंड इज ऑन
गवर्नमेंट बिल्स। पहले तो इस्तेमाल या तो प्राइवेट बिल हो या फिर गवर्नमेंट बिल हो। प्राइवेट बिल से हमारा मतलब है यहाँ पर ऐसे बिल या ऐसे विधेयक जो कि प्राइवेट मेंबर्स द्वारा लाए जाते हैं, ठीक है ना, जो सदन में प्राइवेट मेंबर्स द्वारा लाए जाते हैं। प्राइवेट मेंबर्स कौन होते हैं? जैसे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनके अलावा, यानी कि ऐसे सदस्य जो मंत्री हैं, जो मंत्रीगण हैं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, उनके अलावा जो मेंबर्स पार्लियामेंट के जो बिल लेकर आते हैं वो प्राइवेट बिल कहलाता है। और अब उस प्राइवेट बिल पर राष्ट्रपति, अगर एग्जीक्यूटिव उसको ये सलाह दे कि भैया ठीक है ये बिल सही नहीं है, ये उचित नहीं है, ऐसी एडवाइस दे, तो राष्ट्रपति उस प्राइवेट बिल पर अपनी एब्सोल्यूट वीटो पावर इस्तेमाल कर सकता है और इस तरह से वो प्राइवेट बिल खत्म हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ एक बात ये ध्यान रखने की है, माइंड में ये चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर राष्ट्रपति जो अपनी वीटो पावर्स का यूज करता है वो किसकी एडवाइस पर करता है? वो एडवाइस पर करता है मंत्रिमंडल की। तो मंत्रिमंडल की सलाह पर ही राष्ट्रपति जो है अपने इस निषेधाधिकार का प्रयोग करता है, अपनी वीटो पावर का प्रयोग करता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पर अगर कैबिनेट उसको सलाह देती है कि ठीक नहीं है तो वो उसको अपने उस पर अपनी एब्सोल्यूट वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकता है। फिर हम बात करें अगर गवर्नमेंट बिल्स की, तो गवर्नमेंट बिल वो जो किसी मंत्री के द्वारा, किसी मिनिस्टर के द्वारा लाया गया, सदनों द्वारा पास हो गया और पास होने के बाद वो प्रेसिडेंट की असेंट के लिए प्रेसिडेंट के पास गया। अब मान लीजिए वो बिल प्रेसिडेंट के पास गया हुआ है जिसे मंत्री ने पेश इंट्रोड्यूस किया था, और इसके बाद अगर मान लीजिए वो जो सदन है उसका विघटन हो जाता है या सरकार गिर जाती है और दोबारा से नई सरकार बनती है। अगर उसी गवर्नमेंट की सरकार बनती है तो ठीक है, अगर दूसरी गवर्नमेंट की सरकार बन गई और मंत्रिमंडल ने, जो नया मंत्रिमंडल बैठा और उन्होंने ये सलाह दी कि पुराना जो बिल है उस पुराने बिल पर राष्ट्रपति को कंसेंट नहीं देनी चाहिए, तो ऐसे में भी राष्ट्रपति जो है इस प्रकार के गवर्नमेंट बिल्स पर एब्सोल्यूट वीटो पावर का इस्तेमाल करता है। क्लियर हो गई बात? तो व्यवहार में दो तरीके के जो बिल्स हैं उन पर इस एब्सोल्यूट वीटो पावर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। सेकेंड वीटो पावर की हम लोग बात करें तो सेकेंड वीटो पावर है हमारे पास क्वालिफाइड वीटो पावर, विशेषित निषेधाधिकार, क्वालिफाइड वीटो पावर। तो क्वालिफाइड वीटो जो होता है वो उसमें होता है, ये अमेरिका में, यूएस की बात कर रहा है, ये हमारे यहाँ पर इंडियन प्रेसिडेंट के पास ये क्वालिफाइड वीटो पावर नहीं है। अमेरिकन प्रेसिडेंट को क्वालिफाइड वीटो पावर होती है, ठीक है, लेकिन चूंकि हम वीटो पावर्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम ये भी देख लेते हैं। तो क्वालिफाइड वीटो पावर जो होती है इसके लिए ये होता है कि पार्लियामेंट से, अमेरिकन पार्लियामेंट से, जो कांग्रेस है, अमेरिकन पार्लियामेंट से जो बिल पास होकर आता है प्रेसिडेंट के पास में, प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के लिए, और प्रेसिडेंट अगर उसको वापस रिकंसिडरेशन के लिए वापस किसके पास भेज देता है? पार्लियामेंट के पास में, वापस पार्लियामेंट के पास भेज दिया। अब पार्लियामेंट ने अगर स्पेशल मेजोरिटी या हाई मेजोरिटी से, स्पेशल और हाई मेजोरिटी से यानी काफी उच्च बहुमत से अगर उसको पास कर दिया और वापस प्रेसिडेंट के पास भेज दिया, तो यहाँ पर प्रेसिडेंट अपने कंसेंट देने के लिए क्या हो जाएगा? बाउंड हो जाएगा। आप देखिए इस चीज को यहाँ पर ध्यान से सुनिए कि यहाँ पर जो है यूएस की पार्लियामेंट ने अगर प्रेसिडेंट को कोई बिल भेजा है पास करके और प्रेसिडेंट ने रिकंसिडरेशन के लिए उसको वापस, यानी कि पुनर्विचार के लिए, उसको रिव्यू करने के लिए वापस कहाँ भेज दिया? दोबारा से पार्लियामेंट के पास भेज दिया। तो वहां पर अगर पार्लियामेंट ने वापस से बिल स्पेशल या हाई मेजोरिटी से, विशेष बहुमत जिसे हम कहते हैं ना, तो विशेष बहुमत से अगर पास कर दिया और दोबारा प्रेसिडेंट के पास भेजा, तो प्रेसिडेंट बाउंड होगा, उसको उस पर सहमति देनी ही होगी। ये तो बात हुई यूएस के बारे में। अब हम इसी तरह से, जैसे हम अगली सस्पेंसिव वीटो पावर पढ़ते हैं ना, मैं इसको भी यहां से रेज नहीं करूंगी क्योंकि इन दोनों में हम लोग डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग बात करें सस्पेंसिव वीटो की, तो हमारे जो इंडियन प्रेसिडेंट को सस्पेंसिव वीटो पावर प्राप्त है। मैंने बताया था एब्सोल्यूट वीटो पावर भी इंडियन प्रेसिडेंट को प्राप्त है, सस्पेंसिव वीटो पावर भी इंडियन प्रेसिडेंट को प्राप्त है, जबकि क्वालिफाइड वीटो पावर किसको प्राप्त है? यूएस प्रेसिडेंट को। हम यह लिख देंगे, ठीक ये यूएस की है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं सस्पेंसिव वीटो पावर की, तो सस्पेंसिव से जैसे जैसे वर्ड्स ही लग रहा है यहाँ पर, है ना, निलंबन कर देना या स्थगित कर देना कुछ समय के लिए। तो यहाँ पर जब बिल जो है वो बोथ हाउसेस से,
दोनों हाउसेस से पास होकर कहाँ आएगा, प्रेसिडेंट के पास आएगा। और प्रेसिडेंट जो है वो रिकंसिडरेशन के लिए यानी कि पुनर्विचार के लिए उसको वापस कहाँ भेज रहा है, पार्लियामेंट के पास, वापस सदन में, जिस सदन से वो आया उस सदन में उसको वापस से, उस हाउस में उसको वापस वो भेज रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि जब वो हाउस जो है वापस अगर यहाँ पर प्रेसिडेंट को भेज देता है कैसे, जनरल मेजोरिटी से, साधारण बहुमत से उस बिल को पास करके भेज देता है वापस किसके पास में, प्रेसिडेंट के पास में, तो यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है वो बाउंड होगा कंसेंट देने के लिए। देखिए अब यहाँ पर सस्पेंसिव वीटो पावर के तहत हमने क्या देखा कि जब किसी सदन से या दोनों सदनों से पास होकर प्रेसिडेंट के पास बिल आया तो प्रेसिडेंट उसको वापस अगर पुनर्विचार के लिए कि भाई इसको एक बार और इस पर विचार कर लीजिए, इसको वापस रिव्यू कर लीजिए, देख लीजिए इसमें थोड़ी बहुत एक कमी है या इसे कंप्लीट कर दीजिए, तो इस तरह से अगर वो दोबारा से उसको भेज देता है और वहां पर जो सदन है दोनों हाउसेज जो है वहां पर वापस से अगर वो जनरल मेजोरिटी से जो सदन के पास भेज दिया गया और वापस जो है वहां पर पार्लियामेंट उसे साधारण बहुमत से पास करके भेज देती है तो प्रेसिडेंट उस पर अपनी कंसेंट देने के लिए बाध्य है। ये तो हुई इसकी सस्पेंसिव वीटो पावर की बात। सस्पेंसिव वीटो पावर और क्वालिफाइड वीटो पावर जैसा मैंने यहां पर आपको बताया था, इन दोनों में डिफरेंस समझ में आया कुछ क्या, कि यहां पर तो क्या था बिल को पार्लियामेंट स्पेशल मेजोरिटी से पास करेगी, जबकि हमारे इंडिया में केवल जनरल मेजोरिटी यानी कि साधारण बहुमत से ही पास करना काफी है। अगर पार्लियामेंट ने पुनः उस बिल को साधारण बहुमत से पास कर दिया तो राष्ट्रपति उस पर अपने कंसेंट देगा, जबकि क्वालिफाइड में ऐसा नहीं होता, यानी कि यूएस जो है पार्लियामेंट है उसके साथ उसके संबंध में ये क्वालिफाइड वाली बात लागू होती है। वहां पर जो है पार्लियामेंट को बिल जो रिकंसिडरेशन के लिए उसके पास गया है वो वापस उसे हायर मेजोरिटी से ही पास करना पड़ेगा, विशेष बहुमत से पास करना पड़ेगा, तभी राष्ट्रपति उस पर अपने कंसेंट देगा। ये दोनों कंडीशन क्लियर हो गई। एक और इंपॉर्टेंट बात सुन लो यहाँ पर, क्या कि सस्पेंसिव वीटो पावर जो होती है वो किस तरीके के बिल्स में इस्तेमाल होती है, वो होती है ऑर्डिनरी बिल्स पर, साधारण विधेयकों पर, क्योंकि जो मनी बिल होता है ना, जो मनी बिल होता है उसको आप उसको भी प्रेसिडेंट जो है वो पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेजता, क्योंकि उसमें ऑलरेडी उसी की सिफारिश के बाद में वो लोकसभा में पेश किया जाता है, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, ठीक है ना। और वही अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल की बात करते हैं तो उस पर तो राष्ट्रपति अपने जो अपने असेंट देने के लिए बाध्य है ही है, तो उसको तो भेजने का सवाल ही नहीं उठता, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है वो सस्पेंसिव वीटो पावर्स जो होती है, सस्पेंसिव वीटो पावर राष्ट्रपति केवल और केवल ऑर्डिनरी बिल यानी कि साधारण विधेयकों पर इस्तेमाल करता है। क्लियर। अब हमारा बच्चा पॉकेट वीटो के बारे में बात। पॉकेट वीटो जैसे कि यहाँ वर्ड से भी आपको पता चल रहा है, पॉकेट में वीटो, पॉकेट में रख लेना मतलब खुद के पास रख लेना अपनी पॉकेट में और किसी को देना ही नहीं है, उस चीज का कुछ करना नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब है जब सदनों से पास होकर संसद के सदनों से पास होकर कोई बिल जो है वो प्रेसिडेंट के पास गया और प्रेसिडेंट ने उसको अपने पास रख लिया, ना तो प्रेसिडेंट उस पे अपनी एक्सेप्टेंस दे रहा है, ना वो उसको रिजेक्ट कर रहा है, ना वो रिजेक्शन दे रहा है, ना तो वो एक्सेप्ट कर रहा है ना रिजेक्ट कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, बस उसको अपने पास उसे रख लिया। तो इस तरीके की वीटो पावर को क्या बोला जाता है, पॉकेट वीटो पावर बोला जाता है। क्लियर हुई बात। यहाँ पर पॉकेट वीटो पावर की हम लोग बात करते हैं तो पॉकेट वीटो पावर जो है आपकी वो मनी बिल पर इस्तेमाल की जा सकती है। लोग बात कर रहे थे कि पॉकेट वीटो पावर के बारे में, तो पॉकेट वीटो पावर किस पर इस्तेमाल हो सकती है, मनी बिल पर, ठीक है, मनी बिल पर इस्तेमाल हो सकती है या फिर ऑर्डिनरी बिल पर, या तो मनी बिल पर इस्तेमाल की जा सकती है या ऑर्डिनरी बिल, इन दोनों ही बिलों पर, चाहे वो धन विधेयक हो चाहे वो साधारण विधेयक हो, पॉकेट वीटो पावर इस्तेमाल की जा सकती है। यानी कि जो प्रेसिडेंट है वो अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए अपने पास उस बिल को रख सकता है। देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई इसके बारे में कि कितनी समयावधि तक वो उस बिल को अपने पास रख सकता है, इसलिए हम क्या मान के चलते हैं कि वो अनलिमिटेड टाइम ऑफ टाइम पीरियड के लिए अपने पास उसको होल्ड करके
रख सकता है। जबकि अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस में जो है वो प्रेसिडेंट के पास 10 डेज होते हैं कि 10 दिन का उसके पास समय होता है, 10 दिन में उसको उस बिल पर अपनी जो एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन जो भी करना होता है, निर्णय उस विधेयक पर देना होता है। जबकि इंडिया में जो है वो क्या है, अनलिमिटेड टाइम होता है, ठीक है ना, अनलिमिटेड पीरियड टाइम होता है उसके पास, अनिश्चित समय होता है, वो जितना चाहे उसको अपने पास होल्ड करके रख सकता है, ठीक है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की भी हम, जैसे मैंने आपको बताया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की हम लोग बात करें तो उस पर पॉकेट वीटो पावर का इस्तेमाल नहीं हो सकता, वीटो पावर का इस्तेमाल हो ही नहीं सकता उस पर किसी भी प्रकार की। क्यों? क्योंकि तो इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पर तो उसको कंसेंट देने के लिए बाध्य होगा ही। जैसा मैंने आपको बताया अभी था लास्ट क्लास में कि 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971 के द्वारा यहाँ पर राष्ट्रपति को उस समय बाउंड कर दिया गया, बाध्य कर दिया गया कि जब भी कोई संविधान संशोधन बिल उसके समक्ष आए तो वो उस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य होगा, उस पर उसको सिग्नेचर करने। क्लियर? तो आई थिंक कि प्रेसिडेंट की वीटो पावर्स आपको समझ में आई होगी। आज हमने ये सारी वीटो पावर्स देखी। ध्यान रखिएगा कि इंडियन प्रेसिडेंट के पास ये केवल 3 है, एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो एंड पॉकेट वीटो। क्वालिफाइड वीटो जो है वो इंडियन प्रेसिडेंट के पास नहीं है, ये यूएस के प्रेसिडेंट के पास होती है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक थैंक यू ऑल ऑफ यू।